हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिंकू और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्रूट के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही रेयर है और ये इंडिया में भी बहुत ही कम जगहों में ही अवेलेबल होती है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वुड एप्पल के बारे में, जिसको हिंदी में कैथा बोला जाता है या कुछ जगहों में इसको कबीथ या कोथबेल के नाम से जाना जाता है। ये है वुड एप्पल, जो देखने में एक बेल की तरह है और ये जो है बाहर से बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल एक नारियल की तरह। और आप जब इसको इस्तेमाल करें, इसको आप बिल्कुल एक नारियल की तरह ही तोड़िए, जिस तरह से आप एक नारियल को तोड़ते हैं, और इसके अंदर का जो फ्लेश है वो थोड़ा सा पंजी सा फंकी सा स्मेल होता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसके अंदर का जो फ्लेश है उसको एज इट इज खा सकते हैं, या इसका जो है आप जूस बना के खा सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, सालसा बना सकते हैं, या तो फिर आप इसका जो पल्प है उसको थोड़ा सा स्ट्रेन करके करीज में ऐड कर सकते हैं, जिससे जो करी है उसमें एक खट्टा सा स्वाद आएगा, जिस तरह से हम अक्सर इमली को डालते हैं उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और ये एक वैसा ही खट्टापन देता है। और इसका जो टेस्ट है वो कुछ हद तक मीठी इमली के तरह होता है। और ये जो है इंडिया के अलावा सिर्फ श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में ही ग्रो किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो ये जो है बहुत ही गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसमें जो है भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। ये कैंसर को फाइट करता है, डायबिटिक को क्योर करता है, और ये जो है डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। और अगर किसी को स्टमक पेन है, उस पेन को रिलीफ करने में बहुत फायदेमंद है। ये एक एंटी एलर्जिक फ्रूट भी है, और मैं ये उन लोगों को भी रेकमेंड करूंगी जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है। और ये जो है आप जब भी खाए, मैं एडवाइस करूंगी कि आप इसको जो है इसका पल्प निकाल कर ही इसका इस्तेमाल करें, अगर आपको इसका ज्यादा फायदा उठाना है तो। चलिए, ये तो रहे इसके फायदे। और अगर आप इसके रेसिपीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट में जाके इसके रेसिपीज को पढ़ सकते हैं। मेरे वेबसाइट का नाम है www.wowpalate.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। और अगर आप में से किसी को भी इसकी किसी भी रेसिपी के बारे में जानकारी है या आपके पास इसकी कोई रेसिपी है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर कीजिएगा। Thank you so much.